नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर विवाह में आपकी देरी होती है, आपका विवाह जल्दी से जुड़ नहीं पाता है, किसी भी तरह के अगर आपके विवाह संबंधित अड़चने आती है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम ऐसा दिव्य मंत्र बताएंगे भगवान श्री कृष्ण का, निश्चित ही दोस्तों इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपके विवाह में, चाहे लड़की हो या लड़का, अगर विवाह में बाधा आती है तो निश्चित ही इस मंत्र के जाप से आपकी बाधा बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपको आपके इच्छा स्वरूप, इच्छानुरूप आपको वर या वधू की बिल्कुल प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको ये उपाय करना है, मंत्र करना है, बिल्कुल श्रद्धा विश्वास से आप इस मंत्र को जापे, इसका जाप करें, इसकी विधि हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, यानी अमावस्या के बाद पहला दिन, इसको दोस्तों शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कहते हैं। तो दोस्तों, जब भी अमावस्या हो उसके दूसरे दिन आपको क्या करना है, सुबह स्नानादि से पवित्र होकर एक पीले रंग का आसन लेकर आप उस आसन पर बैठ जाए, अपने सामने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर रखें, उनके साथ अगर राधा जी है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर राधा जी की तस्वीर नहीं मिलती तो सिर्फ आप श्री कृष्ण प्रभु की तस्वीर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, उस प्रतिमा के सामने आपको सुगंधित धूप लगाना है, एक दिया जलाना है, वो भी तिल के तेल का अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, या फिर आपने किसी भी मीठे तेल का दीपक लगाए रखे। इसके बाद दोस्तों, आपको पीले आसन पर बैठना है, रुद्राक्ष की माला पहले आपको दूध से धोनी है, उसके बाद पानी से धोनी है, इसके बाद उसको एक प्लेट में रखे। और दोस्तों, इसके बाद आप क्या करें, अपने पास पहले ही सहचर के फूल रखे, सहचर यानी कोराटी, जिसका नाम वज्रदंती भी है, अगर इसका फूल आपको मिल जाए तो उसमें आपको दुगुना लाभ इस प्रयोग में मिल सकता है, या फिर अगर ये फूल आपको नहीं मिलता है तो दोस्तों आप किसी भी पीले फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से जान लीजिए, इस सहचर के बूटी को वज्रदंते के नाम से भी जाना जाता है, इसके बाद इसको करंटक भी कहा जाता है और कोरा टी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके प्रांत में इसको किस नाम से जाना जाता है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जिन भाई बहनों की शादी में रुकावटें आ रही है उन सभी की रुकावटें जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आपको क्या क्या करना है। पहले दोस्तों, आप पूजा का सामान तैयार रखें, जिसमें पीले फूल हो, हल्दी हो, अगर आप माला भी बनाते हैं तो भी पीले फूलों की ही बनाए, और नैवेद्य में पीली खिचड़ी बनाए। तो दोस्तों, यह हो गया आपका सामान। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, एक पीला आसन लेकर आप उस आसन पर बैठ जाए, और आपने जो भगवान श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर रखी है तो उसकी पहले पूजा करें, उसको पहले पीले फूल से थोड़ा सा उस पर पानी छिड़के, इसके बाद उनको हल्दी लगाए, इसके बाद दोस्तों जो भी आपने हार बनाया है पीले फूल का उनके गले में डाल दें। इसके बाद दोस्तों, आप उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इस मंत्र में हमें सिद्धि प्राप्त आप दे, यानी कि हमारा मंत्र सिद्ध करे, इस तरह से दोस्तों प्रार्थना करें, और अपने विवाह के बारे में अपने मन की बात भगवान श्री कृष्ण को बताएं, और जल्दी से जल्द विवाह होने की उनसे प्रार्थना करें। तो दोस्तों, आपको रुद्राक्ष की माला लेकर आपको शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अगली शुक्ल प्रतिपदा तक, यानी कि एक महीने तक, इस दिव्य मंत्र का आपको 125 बार जप करना है। दोस्तों, अगर आप इस तरह से साधना करेंगे तो निश्चित ही एक महीने में यह मंत्र बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, मंत्र सिद्ध होने के बाद पूजा सामग्री को किसी पानी में बहा दे, श्री कृष्ण की तस्वीर अपने घर में रख दे, उनकी यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करते रहे सिद्धि के बाद। और दोस्तों, इसके बाद भी आप प्रतिदिन एक माला जाप करते रहे, ताकि आपने जो मंत्र सिद्ध किया है ना, वह सिद्ध ही बनता रहे। इसके लिए दोस्तों, आपको वह मंत्र छोड़ना नहीं है,
जब तक आपकी शादी नहीं होती, आपका विवाह नहीं होता, तब तक आपको इस मंत्र की केवल एक माला जपनी है। पहले आपको 125,000 माला का जाप करके आपको ये मंत्र सिद्ध करना है। इसके बाद डेली आपको इसकी केवल एक माला का जाप करना है जब तक आपका विवाह ना हो। तो दोस्तों चलिए इस मंत्र को जानते हैं, ये मंत्र किस प्रकार है। तो दोस्तों मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। तो दोस्तों ये बिल्कुल 100% तक दिव्य मंत्र है श्री कृष्ण प्रभु का, जो कि शादी विवाह में जो अड़चन आती है उसको दूर करने के लिए ये बहुत ही दिव्य मंत्र है। तो दोस्तों इस दिव्य मंत्र का आप जाप करें, प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अगली शुक्ल प्रतिपदा तक इसको सिद्ध करें। इसके बाद दोस्तों प्रतिदिन इसका एक माला जाप कर दे तो निश्चित ही दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के अंदर आपके विवाह में कितनी भी अड़चन आ रही हो, चाहे लड़की हो या लड़का, वो निश्चित दूर हो जाएगी और आपको आपके मन के अनुरूप आपकी इच्छा के अनुरूप वर मिलेगा और वधु भी मिलेगी। तो दोस्तों आप पूर्ण दृढ़ श्रद्धा से और विश्वास से इस मंत्र का जाप करके आप अपना कार्य सिद्ध करें और दूसरों को भी बताएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारी बहन है भाई है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसके विवाह में अड़चन आ रही है। तो दोस्तों वे भी क्या करें, इस मंत्र का जाप करके इस मंत्र को सिद्ध करें। इसके वजह से इसके बहुत सारे मंत्र हैं जो आपको हमारे ब्लॉग पर मिल सकते हैं। अगर आप दूसरे मंत्र को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपनी ब्लॉग का लिंक दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके बहुत सारे मंत्र आप विवाह के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दी है ब्लॉग की, उस पर क्लिक करें तो आपको इससे भी ज़्यादा मंत्र वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस मंत्र की सिद्धि करके आप अपना कार्य पूरा करें, भगवान करे आपका विवाह जल्दी हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आपकी कोई समस्या है तो भी कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपकी कुंडली के अनुसार विवाह नहीं होता है तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का ठिकान कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपकी कुंडली का संक्षिप्त में विवेचन करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपकी कुंडली में ऐसा क्या दोष है जो कि आपका विवाह रोक रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, आपका विवाह ज़रूर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।